जय एवरीवन, स्वागत है आपका विनेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के बढ़ते डिफेंस एक्सपोर्ट के बारे में। सिप्री और दूसरी संस्थाओं ने कुछ ऐसी रिपोर्ट सामने रखी है जो कि काफी चौंकाने वाली है, और अगर ये रिपोर्ट सही है तो आप यकीन मानिए भारत दिन दोगुना और रात चौगुना इस क्षेत्र में तरक्की कर रहा है। आज के इस वीडियो में हम आपको 2013 से लेकर के 2024 तक भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट के बारे में ना सिर्फ जानकारी देंगे, बल्कि हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे भारत अपने वेपन सिस्टम के दम पर इस समय एक्सपोर्ट मार्केट में राज करने की तैयारी कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों, इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत वो देश है जिसे एक समय पर रक्षा आयातक के तौर पर जाना जाता था, क्योंकि हम अपने रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए आमतौर पर जो इम्पोर्टेड वेपन सिस्टम है इन पर ही डिपेंडेंट थे। लेकिन बीते एक दशक के अंतर्गत ये छवि बदली है और भारत ने रक्षा आयातक से रक्षा निर्यातक तक का जो सफर है वो तय किया है। और अगर हम इस फाइनेंशियल ईयर की ही बात कर लें तो इसमें भारत को एक के बाद एक जो बड़े एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हैं ये प्राप्त हुए हैं। अब जो मिलिट्री एक्सपोर्ट होते हैं ये डिफेंस इंडस्ट्रीज की पहली पसंद होते हैं, मेजर गोल होता है, क्योंकि इससे ना सिर्फ उनको पैसे से मदद मिलती है बल्कि उनके हथियारों की जो रीच है ये दुनिया भर में फैलती है। और दुनिया भर के जितने भी डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस होते हैं उनका प्राइमरी टारगेट यही होता है कि वो अपने वेपन सिस्टम को एक्सपोर्ट कर सके। अब अगर हम टॉप 10 डिफेंस एक्सपोर्टर्स की बात करें तो वो हमें नॉर्थ अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप से देखने को मिलते हैं। और एक डेटा के हिसाब से वर्ष 2019 से 2023 तक यूनाइटेड स्टेट्स और वेस्टर्न यूरोप ने तकरीबन ग्लोबल डिफेंस एक्सपोर्ट का जो 72% हिस्सा है वो अपने नाम किया है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। डिफेंस एक्सपोर्ट ना सिर्फ किसी देश को सैन्य शक्ति के तौर पर मजबूत बनाते हैं बल्कि इसके चलते दो देशों के बीच में जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम कोल्ड वॉर इरा का एग्जाम्पल लें तो सोवियत यूनियन ने भारत को हथियारों से काफ़ी मदद की है, और इसके चलते भारत और सोवियत यूनियन के जो आपसी संबंध थे वो काफ़ी ज़्यादा प्रगाढ़ हुए थे। इनफैक्ट अभी भी भारत और रूस के जो संबंध हैं ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। और अगर हम एक फैक्ट शीट की बात करें जो कि 2024 की है, और यह फैक्ट शीट स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री से जारी की गई है, तो इस समय दुनिया के तकरीबन 66 देश ऐसे हैं जो कि वेपन एक्सपोर्ट करते हैं। और इनमें से अगर हम टॉप 5 आर्म एक्सपोर्टर्स की बात करें तो इसमें अमेरिका, फ्रांस, रशिया और चाइना और जर्मनी का नाम सामने आता है, जो कि ग्लोबल डिफेंस एक्सपोर्ट का 75% हिस्सा एक्वायर करते हैं। लेकिन बीते एक दशक में कुछ नए प्लेयर्स हैं जिनकी एंट्री यहाँ पर हमें देखने को मिली है। इसमें है क्रमशः साउथ कोरिया, तुर्की और भारत। हालांकि भारत अभी इस क्षेत्र में अपनी स्थिति को और मजबूत करने में लगा है, और 2015 से भारत की डिफेंस इंडस्ट्री का जो कायाकल्प हुआ है और भारत ने इंपोर्ट की जगह एक्सपोर्ट पर अपना ध्यान केंद्रित किया है, तो उसके बाद से जो छवि है ये लगातार बदल रही है। अगर हम 2020 की रिपोर्ट की बात माने तो उस दौरान सिप्री की लिस्ट में भारत को 23वां स्थान मिला था ग्लोबल आर्म एक्सपोर्टर्स की लिस्ट में। और अपनी इस स्थिति को और मजबूत करने के लिए भारत सरकार के द्वारा एक एग्रेसिव टारगेट रखा गया है, जहां पर 2025 तक $5 बिलियन का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है इसका टारगेट रखा गया है, जो कि भारत के डिफेंस प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए और अपने स्थान को मजबूत करने के लिए ज़रूरी है। अब अगर हम मार्च 2024 की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में जो नंबर्स ऑफ डिफेंस एक्सपोर्ट हैं इनके बारे में जानकारी सामने रखी गई है, जिसके हिसाब से भारत ने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में 21,083 करोड़ रुपए, जो कि तकरीबन $2.68 बिलियन होता है, इस कीमत के जो इक्विपमेंट हैं इनको एक्सपोर्ट किए हैं। यानी कि अगर हम इसे प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर से कंपेयर करें तो ये जो ग्रोथ है ये 32.6% की है, जो कि बहुत बड़ी है। और इस ग्रोथ के पीछे यहाँ पर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर ने मिलकर के काफी बढ़िया काम किया है, और इसमें प्राइवेट सेक्टर की जो हिस्सेदारी थी वो 60% की थी, जबकि जो पब्लिक सेक्टर है इसकी हिस्सेदारी 40% की थी। अगर हम 2015 से पहले की बात करें तो भारत की जो डिफेंस इंडस्ट्री थी वो प्राइमरी फोकस कर रही थी अपने डोमेस्टिक डिमांड को पूरा करने में इंडियन आर्म फोर्सेस की, लेकिन उसके चलते जो एक्सपोर्ट था वो काफ़ी मार्जिनल था। एक रिपोर्ट के हिसाब से 2013-14 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट था वो सिर्फ 686 करोड़ रुपए का था, जो कि अब 2023-24 में 31 गुना ज़्यादा बढ़ चुका है और ये 21,083 करोड़ रुपये पहुँच चुका है। अब अगर हम 2014 से 2024 तक के डिफेंस एक्सपोर्ट पर नज़र डालें तो आइए एक बार हम वैल्यू के हिसाब से इस पर भी बात कर लेते हैं। 2013-14 में जो डिफेंस एक्सपोर्ट था वो 686 करोड़ रुपए का था, 2014-15 में ये 1,941 करोड़ रुपए का हो जाता है, फिर 2015-16 में
2059 करोड़ का हो जाता है, 2016-17 में 1522 करोड़, 2017-18 में 4682 करोड़, 2018-19 में 10746 करोड़, 2019-20 में 9116 करोड़, इसके अलावा 2020-21 में 8435 करोड़, 2021-22 में 11067 करोड़, 2022-23 में 15918 करोड़ और 2023-24 में ये 21083 करोड़ रुपए पहुंच चुका है। और ये जो डेटा है ये डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन के द्वारा रिलीज किया गया है, यानी कि आप इसमें विश्वास कर सकते हैं। अब अगर भारत की बात करें तो भारत इस समय अपने जो प्रोडक्ट है इनको तकरीबन 84 जो कंट्रीज हैं उनमें एक्सपोर्ट करता है। इसमें बेसिकली जो डिफेंस हार्डवेयर है जैसे कि पेट्रोल वेसल्स हो गई, लो बैंड रेडार्स हो गए, एंटी टैंक वेपनरी हो गई, आर्मर्ड व्हीकल्स हो गई, टॉर्पीडो हो गई, बुलेट प्रूफ जैकेट्स हो गई, स्मॉल आर्म्स हो गए, आर्टिलरी गन्स हो गई, रॉकेट लॉन्चर्स हो गए, सेंसर्स हो गए, नाइट विजन गॉगल्स हो गए, इन सारी चीज़ों को भारत के द्वारा एक्सपोर्ट किया जाता है। इसके अलावा जो एयर डिफेंस सिस्टम है भारत इनको भी एक्सपोर्ट करने की तैयारी कर रहा है। अब यहाँ पर अगर हम ग्लोबल सप्लाई चेन की बात करें तो इसमें भी भारत कई बड़े कंपेटिटर्स हैं या ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हैं जिनको सपोर्ट कर रहा है, उनके लिए कंपोनेंट्स का निर्माण कर रहा है जैसे कि बोइंग और एयरबस, और इसके चलते भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है ये लगातार काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि भारत एक्सपोर्ट करने की तैयारी कर रहा है, उनमें है फाइटर जेट, सबमरीन, टैंक्स और दूसरे लो कॉस्ट सिस्टम जो भारत के द्वारा तैयार किए गए हैं। अब यहाँ पर डिफेंस एक्सपोर्ट्स ये मानते हैं कि भारत अगर यहाँ पर हाई एंड टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट करता है तो उसके अपने एक बेनिफिट है। जो कोर टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट है भारत के जैसे कि फाइटर जेट, सबमरीन, टैंक, अगर ये किसी देश को बेचे जाते हैं तो इसका सीधा मतलब ये होगा कि उन्हें इसके रखरखाव के लिए जो साजो सामान है ये भी भारत से खरीदने पड़ेंगे, इसके लिए जो हथियार है ये भी भारत से खरीदने पड़ेंगे, इसका जो MRO सपोर्ट है वो भी भारत से लेना पड़ेगा, यानी एक लंबे समय तक भारत और उस देश के बीच में जो आपसी संबंध है वो मजबूत रहेंगे। और इससे ना सिर्फ डिप्लोमेटिक फ़ायदा होगा बल्कि जो सैन्य संबंध है वो भी काफ़ी मजबूत होंगे। अब अगर एयर डोमेन की बात करें तो भारत ने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को विकसित किया है जो कि भारत लगातार एक्सपोर्ट करने का प्रयास कर रहा है। इसके अलावा एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर यानी ALH है, ध्रुव है, और इसके अलावा लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स हैं हमारे पास जिसको हम प्रचंड के नाम से जानते हैं, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है। लैंड डोमेन में अगर हम बात करें तो हमारे पास मेन बैटल टैंक अर्जुन है, इसके अलावा अलग अलग प्रकार के हॉविट्जर और मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है जो कि हमने अभी हाल ही में आर्मेनिया को एक्सपोर्ट भी किए हैं। और भारत के जो डिफेंस इक्विपमेंट है ये ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों डोमेन में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अब ये जो डिफेंस प्रोडक्ट हैं ये एक कंप्लीट वेपन सिस्टम है, जिसका मतलब ये है कि अगर इनका एक्सपोर्ट होता है तो इनकी जो ऑक्सिलरी एक्सेसरीज है ये भी भारत से ही खरीदनी पड़ेंगी। जैसे कि अगर मान लीजिए फाइटर जेट एक्सपोर्ट होता है तो कंप्लीट जो वेपन पैकेज है ये भारत का होगा, फ्लाइट सिमुलेटर भारत से होंगे, हैंगर्स होंगे, लाइन रिप्लेसेबल यूनिट्स होंगी, मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल फैसिलिटीज जो होगी ये भी भारत के द्वारा विकसित की जाएंगी। यानी कि कंप्लीट वेपन सिस्टम का जो एक्सपोर्ट है ये एक लाइफ लॉन्ग डिपेंडेंसी बायर के लिए बना देगा भारत के साथ, और उन्हें इनका जो कह सकते हैं संबंधित उपकरण है या सपोर्ट है भारत से ही लेना पड़ेगा। तो भारत इस क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है, और एक्सपर्ट्स का मानना है कि जिस प्रकार की ग्रोथ उन्होंने भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट पर देखी है और जिस प्रकार से भारत के जो सिस्टम है वो मैच्योर हो रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं कि आने वाला जो समय है ये भारत का ही होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।